अंबेडकर नगर से खबर आ रही है, जहां गुरुचरण निवासी रियोना थाना भीटी अंबेडकर नगर ने भीटी थाने में एक शिकायती पत्र दिया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो अपने पुराने घर पर पत्रा रखना चाहते हैं जो पहले आग लगने के कारण जल गया था, लेकिन ग्राम प्रधान रियोना जो कि उनका चचेरा भाई है वो ऐसा नहीं करने दे रहा है। ग्राम प्रधान का कहना है कि वो ज़मीन सरकारी है, जबकि जो परिवादी हैं उनका कहना है कि ज़मीन 122B के द्वारा प्रार्थी की हो चुकी है। प्रार्थी के पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, बारिश का मौसम है, प्रार्थी और उनका परिवार जानवरों के साथ, जो उनके पालतू जानवर हैं उनके साथ बाहर रहने को मजबूर है। बचे हुए घर की स्थिति यह है कि वो कभी भी गिर सकता है, जिससे हादसा हो सकता है। गुरचरण ने बताया थाने से लेकर जिला और तहसील तक दौड़ वो लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहा है। हमारा पुराना छप्पर है, उसको हम सही कर रहे हैं, नीचे से पिलर बना के उस पर पचरा रखना चाहते हैं और उसको प्रधान जी ने रोक रहे हैं। कहाँ घर है आपका? रियूना, ग्राम सभा रियूना, थाना भेटी, जिला अम्बेडकर नगर, तहसील भेटी के निवासी हैं। नाम गुरुचरण है। अच्छा, क्या कह रहे हैं प्रधान, क्यों रोक रहे हैं? रोक रहे हैं, कहते हैं खलिहान में है, और हम कहते हैं खलिहान जो है तो उसको नपा दीजिए, हम चले जाएंगे जो खलिहान में आएगा। हमारे पिताजी 2013 में ख़त्म हो गए, सन 80 में उन्होंने अपना 22B प्रधान ग्राम सभा नेपाल ने किया था, तो उसमें 22B सन 80 में लड़े, 81 में कोई पुष्टि नेपाल और प्रधान नहीं दे पाए, तो तहसीलदार ने उस पर आदेश दिया, नकल बन दिया है हमारे पास है कि 317 भूम नंबर में एक बिस्सा मिन एक बिस्सा आबादी पुरानी सन 80 के पहले 30 साल की पुरानी आबादी दर्शाए हैं, उसी पे हम निवास कर रहे हैं। पिताजी खत्म हो गए, आज भी निवास कर रहे हैं। नकल आपके पास है? आपके पास नकल है? हाँ, दिखाइए। ठीक, आगे बताइए। उसी पे निवास कर रहे हैं। सर ये बताइए कि हम जब बाप खत्म होता है, अचल संपत्ति का मालिक लड़का होता है, जब खेतौनी हमारे नाम आई तो उसी को हम जान के कि हमारे आबादी से कागज के बल पे आज तक थे। आज जब प्रधान हमारे सब पटीदार हैं, हम गुरुचरण जायसवाल हैं, वो विश्वनाथ जायसवाल हैं प्रधान जी, वो चाचा के लड़के हमारे हैं, हम उनके बाप का नाम अच्छेलाल है, हमारे पिता का नाम स्वर्गीय केशरी प्रसाद है। तो आप पुलिस पास नहीं गए? पुलिस के पास गए, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद तहसील में गए, तहसीलदार के यहाँ, वहाँ एप्लीकेशन दिए, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तहसील दिवस में हमने दिया, उसके वहाँ पे मौके कोई अधिकारी आके जांच नहीं किया कि किस स्थिति में हूँ, यहाँ तक घर जा चुके हैं। तो आप उसके बाद ऊपर अधिकारी के पास गए होते? ऊपर अधिकारी के पास सर इसलिए नहीं गए, हम धन बल में दोनों कम हैं। क्या चाहते हैं आप? हम वही चाहते हैं कि हमारा जो कच्चा मकान छप्पर है उसी में